मैंने आके देखा कि मेरे घर के अंदर की लाइटें चल रही हैं। मुझे शक पड़ा, मैंने अपनी गाड़ी से पिस्टल निकाला, पिस्टल निकाल के ऊपर गया। ऊपर गया हूँ, एक बंदे ने शुरुआत में इसकानी हुई थी, स्काई ब्लू कलर की शिकार थी, मास्क लगा हुआ था, उसने डायरेक्ट मेरे फायर खोल दिया। 21 अप्रैल की रात 8:19 पे मुझे अवैस की आई है कॉल। कहता है भाई फौरन मेरी तरफ आ। मैं कहा खैरियत है, क्या हुआ बता तो सही मुझे। कहता है घर में डकैती हुई है और मुझे जो है ना ये कि गोली लग गई है। लाहौर के इलाके इलामत बाल टाउन में एक पुलिसदार वाकया पेश आया है, जहां पर एक शहरी गोली लगने से जख्मी हो गया है। पुलिस का कहना है कि शहरी ने खुद को गोली मारी है, लेकिन शहरी का कहना है कि वो मुल्तिमान की फायरिंग से जख्मी हुआ है। आखिर सच क्या है, आइए पहले इस शहरी से मिलते हैं जो अस्पताल में ज़ेर इलाज है। मेरा नाम अवैस है, सिस्टर के घर से सोलर प्लेटें इंस्टॉल करके आ रहा था। वापस आया तो मैंने बाइक बाइक खिला रही है, 9 बजे का कुछ टाइम था। मैंने आके देखा कि मेरे घर के अंदर की लाइटें चल रही हैं। मुझे शक पड़ा, मैंने अपनी गाड़ी से पिस्टल निकाला, पिस्टल निकाल के ऊपर गया। ऊपर गया हूँ, एक बंदे ने शुरुआत की इसकानी हुई थी, स्काई ब्लू कलर की शिकार थी, उसी मास्क लगा हुआ था, उसने डायरेक्ट मेरे फायर खोल दी। मैंने ऐसे डायरेक्शन चेंज किया और मेरा फायर बाजू पे लग गया। इतनी देर में मैं बाहर नहीं निकल गया, मैंने बाहर जाके 2 फायर खोले, फायर मेरा फंस गया। इतनी देर में मेरे पास वहाँ माचिस बम के डब्बे पड़ी हुई थी, तो मैं कैसे चलाता था, ठीक है, वो मैंने 2-3 चलाए हैं, ठीक है। वो मैंने था लेटर पड़ा हुआ था। इतनी देर में उस बंदे ने मैंने देखा कि रास्ता मेरा नीचे का बन गया क्लियर, तो वो इतने क्योंकि धमाके थे तो वो शायद थ्रेड से नीचे छुप गया। मैं इतनी देर में नीचे गया हूँ, लेकिन मैं जब नीचे जाने लगा मेरा शीशे का दरवाज़ा आधा हो चुका था। एक जो छत पे जाता है, एक नीचे जाता है, उस रास्ते से नीचे निकल के जाके पन्नी में बैठ गया। मेरा ब्लड निकल रहा था, गार्ड को बुलाया, फिर मैंने अलवाई को फ़ोन किया, अपने बनोई को, वो इतने 5 मिनट में वो आए हैं। फिर मैं इतनी देर में जाकर बेकरी के बाहर बैठ गया, क्योंकि वहाँ मोबाइल मेरा नहीं चल रहा था। फिर मैनेजर ने मेरा फ़ोन पकड़ा, रेस्क्यू 112 को कॉल किया। ब्लड मेरा बहुत निकल रहा था, फिर गाड़ी निकाली है, बनोई ने गाड़ी में उठाया, आधे रास्ते में एम्बुलेंस मिली है, उसको शिफ्ट किया। 4 वेपन थे, 2, 1 था .223, 1 .44 और 2 9mm के पिस्टल थे, जो मेरे ससुर के कंपनी के हैं, सिक्योरिटी के। मैंने पिस्टल सेफ्टी की फैमिली के लिए रखा। पिछले से साल मेरे पास पहले भी हुई थी ऐसे। इसका वजह ने आपकी एहलिया के साथ कोई घरेलू नाचाकी थी और आपने सौदी करने की कोशिश की है? जी नहीं, कोई ऐसा चक्कर नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली ऑलरेडी उमरा करने गई हुई थी, 2 डेज हुए उनको वापसी आया, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ 1.5 महीने के लिए गए उमरे के लिए, रोज़े उन्होंने वहीं रखे हैं, रोज़े के बाद इधर आए हैं। कोई बंदा ने अगर सुसाइड करनी है वो यहाँ मारेगा गोली, अगर मैं अगर मारूंगा तो गोली पसली में भी जा सकती है। वेपन चलाने का बहुत बड़ा रिस्क होता है और मैं अपने आप को इतना बड़ा नुकसान पहुँचाऊंगा। अच्छा, आपके घर में ये जो असली जो रिकवर करके पुलिस लेके गई है, इसके बारे में तफसील से बताइएगा, ये असली आपके घर में करके आ रहा था? ये असली मेरे ससुर की कंपनी है, मेरे गली में जो गार्ड है वो भी मेरे हैं, ठीक है। इधर मेरे साथ मार्केट में फार्मेसी है, उनको फिर कुछ एक्स्ट्रा वेपन थे जो उन्होंने यहाँ रखवाए थे, मतलब उनके सुपरवाइजर आते हैं ले जाते हैं, जो बच जाते हैं वो यहाँ रखवा देते हैं, वो दफ्तर में नहीं रखते। पुलिस को जो जाए वकुआ से फोल मिले हैं, वो आप ही जो पिस्टल है जो आपके इस्तेमाल में थी, जिस पर खून लगा हुआ था, उसी से फायर किए गए? तो सर इतना बोला कि मैं क्यों मारूँगा, वजह क्या मेरी, मुझे वजह किस चीज़ की चाहिए गोली मारने की? मैं घर मेरा देख लें, मेरे पास गाड़ी है, हर चीज़ है, बिजनेस मैन हूँ मैं, ठीक है। मैं कोई जॉब नहीं करता, मैं एक बिजनेस मैन हूँ, ठीक है, बिजनेस करता हूँ मेरा, मेरा सोलर प्लेट्स का बिजनेस है, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी इसको मारने की? अवैध सब आपके घर से क्या चीज़ गायब है, आप इस तरह रकम बता रहे हैं? मेरे घर में 2 दिन पहले कैश आया था 2 लाख रुपये, कुछ मैंने प्लेट सेल एडवांस लिए थे सबसे, वो मैंने इकट्ठा करके रखा था, ठीक है, और 25-30 हज़ार रुपये मेरा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था खर्चे में, जो अली भाई मेरे बनोई घर गए थे, उन्होंने लॉकर में देखा, लॉकर में कैश नहीं। जख्मी शहीद से बात करने के बाद अब हम इनके घर आए हैं, जहाँ पर इनका बहनोई मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अप्रैल की रात 8:19 पे मुझे अवैस की आई है कॉल, जो मेरे रिश्ते में साला लगता है, तो उसकी मुझे कॉल आई है बड़े घबराहट के वाली आवाज़ में कि अली। मैं कहा अवैस खैरियत? कहता है भाई फौरन मेरी तरफ आ। मैं कहा खैरियत है, क्या हुआ बता तो सही मुझे। कहता है घर में डकैती हुई है और मुझे जो है ना ये कि गोली लग गई है।
जैसे ही उसने ये बात की मैं अपना मोबाइल बंद किया, मैं बाइक निकाली, कहीं पे भी नहीं देखा, मैं फौरन बाइक लगा के मैं तेजी से भागू अपने जना ससुराल आया हूँ। मैं गेट खोला, मैं अंदर आ गया। जब मैं अंदर आया हूँ तो मैंने ऊपर आके देखा है तो नीचे जमीन पे खून ही खून। मैं फौरन अवैस साहब के कमरे में आया हूँ, देखा सामान सारा बिखरा हुआ है। उसके बाद जो है ना दूसरे कमरों में भी देखा, साथ साथ अवैस को आवाज़ें दिए जा रहे कि अवैस की तरह अवैस की कॉल आई तो उसने मुझे कहा कि मैं घर के जो है ना बाहर जो बेकरी है मैं वहाँ पे बैठा। मैं भागता हुआ गया हूँ तो मैं जब उधर जाके देखा है तो वो वहाँ पे जो है ना ये कि उसका जो उसने कमीज पहनी थी वाइट कलर का सूट था और पूरा जो है ना खून से भरा हुआ था। मैंने फिर उस दौरान 15 पे भी फ़ोन किया, मैंने कहा कि जी कि जो ईसा मैं जो ना ये कि सिकंदर ब्लॉक 124 से बात करूं, ईसा मेरे जो ना छोटे भाई मेरे साले को जो है ना रिश्ते में साला लगता है उसको गोली लगी है, घर में वारदात भी हुई है, कांडी प्लीज जल्दी आए। पहले बहरीन रहते थे अवैस, तो अभी जो है ना ये कि आफ्टर जो ना मैरिज ये 3 ईयर्स ये पाकिस्तान सेट हो गए, ठीक है। तो बाकी पूरी फैमिली इनकी बहरीन में है, माशाल्लाह इनके भाई भी हैं वो भी बहरीन में हैं, इनके जो है ना जितने चाचू हैं 2 चाचू हैं उनके बच्चे वो सब बहरीन में हैं और इसके पेरेंट्स भी बहरीन में। पुलिस का मौकफ जानने के लिए हम थाना गुचने इकबाल पहुंचे, लेकिन एसएचओ ने ऑन कैमरा बात करने से इनकार करते हुए मौकफ इख्तियार किया कि पुलिस के पास नाकाबिले तबीयत टेक्निकल शवाहिद मौजूद हैं जो इस बात को साबित करने के लिए काफी हैं कि शहरी ने खुद को गोली मारी है। जाए वकुआ पर शहरी की जानिब से फायर की गई गोली के खोल और सिक्के का मिल जाना, मुलजिमान की जानिब से फायर किए गए बुलेट के खोल का ना मिलना और मुलजिमान के घर में दाखिले और फरार होने के नाकाबिले तर्दीद सबूतों का ना मिलना शकूक और शुबात पैदा कर रहे हैं। शहरी ने खुद को गोली मारी है या मुलजिमान की फायरिंग से जख्मी हुआ है, तहकीकात जारी है। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।